हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको उस मशहूर अदाकारा के दर्दनाक अंत के बारे में बताते हैं जो घर घर में रजनी के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी थी। सिर्फ 47 साल में उनकी मौत ने सबको चौंका कर रख दिया था। याद कीजिए दूरदर्शन का वो सीरियल हम 5, जिसमें मरी हुई महिला की फोटो बोला करती थी। वो प्रिया तेंदुलकर थी, जिनको भारत का पहला टीवी स्टार कहा जाता है। 70 और 80 के दशक में उन्होंने हिंदी सिनेमा और टेलीविजन की दुनिया में खूब शोहरत कमाई थी। वैसे वो अपने नाम से कम रजनी के नाम से घर घर में मशहूर थी। उनका सीरियल रजनी उस जमाने का सबसे सफल शो हुआ करता था। प्रिया तेंदुलकर 19 अक्टूबर 1954 के दिन मशहूर लेखक और नाटककार विजय तेंदुलकर के घर जन्मी थी। उनकी दो बहनें और एक भाई था। प्रिया को बचपन से ही अभिनय और लेखन पसंद था। इसी वजह से उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही पढ़ाई के साथ साथ अभिनय शुरू कर दिया था। छोटी सी उम्र में ही प्रिया ने थिएटर की दुनिया में कदम रख दिया था और कल्पना लाजमी के स्टेज प्ले हयावदन में डॉल का किरदार निभाकर खूब तालियां बटोरी थी। मगर इसके बाद उनके करियर में काफी भटकाव आया। वो एक 5-स्टार होटल में रिसेप्शनिस्ट बन गई। वहां मन नहीं लगा तो एयर होस्टेस की नौकरी करने लगी। वहां से भी ऊब गई तो मॉडलिंग की और फिर न्यूज रीडर बन गई। मगर इसी बीच उनके जीवन की राह पूरी तरह बदल गई। हुआ यह कि डायरेक्टर श्याम बेनेगल एक फिल्म बना रहे थे अंकुर। उनको प्रिया का अभिनय याद था। ऐसे में श्याम ने प्रिया को फिल्म में रोल ऑफर कर दिया। प्रिया ने हाँ बोल दी और फिल्म भी चल निकली। यहीं से अभिनेत्री की किस्मत भी चमक उठी। इसके बाद उनका झुकाव मराठी फिल्मों में हुआ और उन्होंने मराठी के दर्जनों फैमिली शोज में भी काम कर खूब नाम कमाया। साल 1985 में एक हिंदी शो आया जिसने उनकी शोहरत को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। वो शो था रजनी। इस शो ने उनको मिडिल क्लास औरतों की आवाज के रूप में पहचान दी। शो के बाद तो लोग उनको नाम से नहीं बल्कि रजनी के नाम से ही पहचाना करते थे। एकता कपूर का कॉमेडी शो हम 5 भी उनके लिए काफी मकबूलियत लेकर आया। दीवार पर टंगी फोटो पर मरी हुई बीवी का रोल कर प्रिया ने खूब हंसाया था। निजी जीवन की बात करें तो उनको टीवी अभिनेता करण राजदान से प्यार हो गया था। दोनों ने साल 1988 में शादी भी कर ली, मगर दोनों का वैवाहिक जीवन खराब था। इसी वजह से कुछ सालों में ही दोनों का तलाक हो गया। दोस्तों, इतनी मशहूर अदाकारा का अंत बहुत खराब हुआ। वो करीब 40-42 साल की रही होंगी। उनकी तबीयत बहुत खराब होने लगी। जब तबीयत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी तब उन्होंने चेकअप करवाया। डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट करवाए तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई, उनको कैंसर हो गया था। इसके बाद प्रिया की जिंदगी ही बदल गई। इलाज और दवाइयों ने उनके शरीर के दूसरे अंग खराब करने शुरू कर दिए। कैंसर की वजह से उनका दिल भी बहुत कमजोर हो गया। सालों तक वो कैंसर से लड़ती रही और बीमारी से होने वाले दर्द को झेलती रही। 19 सितंबर 2002 के दिन सिर्फ 47 साल की उम्र में प्रिया को अचानक इतना तेज दिल का दौरा पड़ा कि उनको अस्पताल ले जाने का समय भी नहीं मिला और उनकी मौत हो गई। दोस्तों, आपको प्रिया तेंदुलकर की फिल्म या कोई सीरियल याद है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।